की लाइन परफॉर्म किया। इस तरह से जीतने हमने जो पढ़ाई बहुत ही अच्छी है, काम है। तो इस तरह से छोटा सा खेल से मतलब स्टेट डिस्ट्रिक्ट का खिलाड़ी लोगों को चयन होता है और बहुत अच्छा ये आयोजन किया गया है, जिससे आने वाले दिन में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे और बहुत ही अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस ये लोग करेंगे और हमारा अनुराग कार्य करना ये सब तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। नेशनल टुडे लाइव में आपका स्वागत है। तो बताइए आज प्रोग्राम क्या है? शुक्रिया। आज का प्रोग्राम ये आयरन टीम का सेकेंड एनिवर्सरी के रूप में रखा गया है, जो पिछले साल में किया गया था, और इसका मेन उद्देश्य जितने भी युवा वर्ग हैं उन लोगों को फैंस के स्पोर्ट्स मेट्री के प्रति बढ़ावा देने के लिए किया गया। तो कितने लड़के लड़कियाँ इसमें भाग ले रहे हैं? इनमें सारे मैचेस को मिला के सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मिला के 200। जैसे आज के माहौल में देखा जाता है लड़कियों पे अत्याचार हो रहा है, तो आज आपके जिम में लड़कियां भी हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? किस तरह सुरक्षा दी है, किस तरह वो लोग यहाँ पे आए, क्या बोलते हो लोग बोला यहाँ पे? आयरन जिम आज के दिन में बाद में सेफ्टी के मामले में बहुत आगे चल रहा है, और स्पेशली जिस जगह पे ये जिम है किसान कॉम्प्लेक्स मीना बाजार में, तो यहाँ पे लड़कियों को बहुत दूसरे रूप से देखा जाता है। उन लोगों को उनके घर से निकाल के यहाँ पे जिम पे लाना बहुत बड़ी मेहनत की बात थी, चुनौती की बात थी। हम लोगों ने कोशिश किया और आज हमारे जिम में चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में बने। क्या नाम हो आपका? थैंक यू वेरी मच। अभी मैं मौजूद हूँ धनबाद के मुस्कान कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे मेरे सामने मौजूद है फिटनेस लेवल पे धनबाद का नाम रोशन करने वाली रुमा मुखर्जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो बताया नया बाजार के माहौल के बारे में, बताया ज्यादा लड़कियों को इंक्रीज करना चाहते हैं।